शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। देखते हैं जरा भाई, ज्योमेट्री में कुछ मिल जाए। ट्राइंगल फ्राइंगल है कुछ नहीं है, ये रहा भाई, मिल गया राइट एंगल ट्राइंगल। आ जा, वाइड ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं भाई, हैं रुक जाओ बेटा, बॉर्डर कर देता हूँ ऐसा मैं, ठीक है, और अंदर कर देता हूँ वाइट, नहीं ब्लैक। अब ठीक है, अभी ठीक है ना। इधर देखो ज़रा, समझिए क्वेश्चन को। वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो जो आपसे बोला है उसी को लेट कर लीजिए एक्स। तो इसका बेस लेट कर लिया मैंने क्या, एक्स, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो इसका परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड कितना आ गया, एक्स माइनस 7। समझ में आ गई बात यानी। और इसकी जो हाइपोटेनस दी हुई है दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर मैं देखूँ, ये है मेरा बेस जिसको मैं बी से डिनोट करूँगा, ये है मेरा एल्टीट्यूड जिसको मैं परपेंडिकुलर बोलता हूँ, और ये है मेरी हाइपोटेनस विच इज यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल एच। ठीक है, अब ज़रा देखिए यहाँ पर, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल बी जिसको मैं बी से डिनोट करूंगा एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद एंड एल्टीट्यूड बेटा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड बी, एल्टीट्यूड को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर से, विच इज एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइपोटेनस क्या होगी बेटा, हाइपोटेनस को बेटा मैं कैपिटल एच से डिनोट कर रहा हूँ, और वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल वाली कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज होगी, और मुझे पता है कि साइड्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, एंड दैट रिलेशनशिप इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या कहती है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस हाइपोटेनस को बेटा उस साइड में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी लिख लो, मैं वेरिएबल्स को इधर लिख रहा हूँ और कॉन्स्टेंट को उधर लिख रहा हूँ, बस इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर बेटा कितना है, ज़रा देखिए, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, बेस कितना है बेटा, एक्स का होल स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितनी है बेटा, 13 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। बेटा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, लेकिन आपके रिजल्ट पे सब ध्यान देंगे जिस दिन आएगा, ये बात याद रखना। इधर देख लो ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितनी बार एक्स स्क्वायर आ गई, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा बेटा 14x, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 9, इसको इधर लेकर आओगे तो 169 विच इज़ इक्वल टू 0। इसको इधर नहीं, गलत में तो कुछ भी करो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें तो कोई मनादी है ही नहीं ना, लेकिन सही तो ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा, कोई रोकथाम नहीं बेटा, कुछ भी कर सकते हो, आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, लेकिन अगर सही करना है तो बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, आइडेंटी तो लगेगी। ठीक, आप क्या कहना चाह रहे हो, इसको इधर लेके जाओ, है हो तब भी जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी तब भी लगानी पड़ेगी, फिर सबको इधर लेकर आओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इधर देखो ज़रा, इन दोनों को बेटा सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, देखो 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 1 गया तो 2 और फिर 1। कुछ कॉमन है क्या इसमें, हाँ जी कॉमन तो दिख रहा है मुझे, 2 कॉमन है, फिर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 60। देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा,
जीरो डिवाइडेड बाय टू विल गिव यू जीरो, तो वहां पे कोई करने का फायदा नहीं है। यहां पे देख लो जरा, अब इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म कैसे करके आना चाहिए बेटा, माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, सेवन आना चाहिए। तो क्या करें, ट्वेल्व और सिक्स ले ले, नहीं 15 और 8, 15 और 8 आ रहे हैं, क्या आ रहे फैक्टर्स, चलो पहले एक बार लिख ले, एक्स स्क्वायर माइनस 60 इक्वल्स, क्या आ रहे हैं फैक्टर्स, 30, तो 15 और हाँ ठीक तो है, 15 में से 4 जाओगे तो 7 नहीं आ रहा है, 15, 3 और 5, 3 टू जार 10 और 6, हाँ 10 और 6 ले रहे थे लेकिन फिर 7 नहीं आ रहा है, 9 और 5 तब भी नहीं आ रहा है, 15 और 4 11 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2xp प्लस 7 का स्क्वायर 49 60 120, ठीक है 7 30 15 3 5 आ गया, 15 और 4 11 आ रहा है, 2 2 3 2 6 6 टू 12 12 में से 5 हाँ ठीक है, 12 और 5 12x और 5x, इन दोनों को सॉल्व करोगे बेटा क्या आ जाएगा, हाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। अब सर क्या क्या, अच्छा हाँ माइनस का नहीं पाना चाहिए ना, ठीक प्लस, अब जरा देखो इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा x, क्या बचा x माइनस 12, इन दोनों में क्या कॉमन है 5, क्या बचा x माइनस 12, बेटा अब क्या कॉमन है इन सभी में, इनमें कॉमन है x माइनस 12, जब x माइनस 12 निकल जाएगा तो क्या बचेगा x, यहाँ से x माइनस 12 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 5। अब देखो टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, जीरो, इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू जीरो है या इसकी वैल्यू जीरो है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, बताइए बात क्लियर है। बट उन्होंने हमसे क्या पूछा है बेटा, इधर जरा ध्यान दीजिए, ये तो बेटा क्या है नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, हमसे क्या पूछा है, इफ दी फाइंड दी टू साइड्स आर, कौन कौन सी साइड्स है, पहले तो बेटा x जो कि कितनी आई है 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, एल्टीट्यूड कितना है बेटा x माइनस 7, मतलब के 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये है आपका बेस और ये है आपका एल्टीट्यूड, यही दोनों साइड्स बतानी थी बिकॉज हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।